हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक छोटी सी पोएम को जिसका नाम है आई हियर द फ्लाई बर्ड्स व्हेन आई डाइड। इसको लिखा था एमिली डिकिंसन ने। अगर मैं एमिली डिकिंसन के बारे में बात करूँ तो इनने अपने मेजॉरिटी वर्क्स डेथ की थीम पर ही लिखे हैं और ये पोएम भी उसी पर लिखी गई है और इस पोएम को लिखा गया था 1862 में। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटी सी पोएम है और इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे जिससे आपको इसकी थीम्स और सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा अगर हम देखें, आई हियर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड, मैंने मक्खी की आवाज सुनी जब मैं मर गया। द स्टिलनेस इन द रूम, कमरे की खामोशी, वॉज लाइक द स्टिलनेस इन द एयर, वो हवा की खामोशी की तरह थी। बिटवीन द हेवन्स ऑफ स्टॉर्म, यानी कि हेवन तो जन्नत को बोलते हैं ना, जन्नत के तूफानों के दरमियान। फर्स्ट स्टैंजा में बेसिकली राइटर हमें ये बताना चाह रही है कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तब हर चीज बिल्कुल खामोश हो जाती है, किसी चीज में कोई आहट नहीं बचती। यहाँ पर बेसिकली वो बॉडी पार्ट्स की बात कर रहे हैं, हमारे हाथ पांव सांसें हर चीज बिल्कुल खामोश हो जाती है, कमरे में बिल्कुल खामोशी हो जाती है। कमरे से मुराद एक ह्यूमन बॉडी है। सेकंड स्टैंजा को अगर हम देखें, द आईज अराउंड, आसपास की आंखें, हैड रंग देम ड्राई, उन्हें खुश्क कर दिया गया, एंड ब्रीथ वर गैदरिंग फर्म, और सांसें इकट्ठी हो रही थी, फॉर द लास्ट ऑनसेट, यानी कि लास्ट ऑनसेट से मुराद आखिरी जो रसूमात होती हैं उनके लिए। और वहां पर जो डेथ बॉडी होती है उसका एज अ किंग ट्रीट किया जाता है क्योंकि उसको रिस्पेक्ट दी जाती है। बी विटनेस्ड इन द रूम, और जो वो कमरा होता है वो उस चीज का गवाह होता है। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं द आईज अराउंड, जो आंखें हैं वो रो रो के खुश्क हो जाती हैं और सब बिल्कुल एक साथ खड़े होकर उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं, यानी कि सांसें सारी बराबर हो जाती हैं। नेक्स्ट चलें तो हमारे पास नेक्स्ट स्टैंजा अगर हम देखें तो उसमें इसके फोर ही स्टैंजा हैं, ये दो लास्ट स्टैंजास हैं, इसके बाद हम लोग इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे। आई विल्ड माई कीप सेक्स, मैंने अपने कैप्स के इसकी वसीयत की, कीप सेक्स सॉरी, यानी कि जो उसके पास चीजें थी उनकी उसने वसीयत की, साइंड अवे वसीयत करना। व्हाट पोर्शन ऑफ मी बी, मेरा क्या हिस्सा है, असाइनेबल, एंड देन इट वाज देयर इंटरपोज्ड अ फ्लाई, वहां एक मक्खी ने मुदाखलत की। जब वो सब कुछ कर रहा था, एक अपनी वसीयत कर रहा था और फैसला कर रहा था कि कौन सा हिस्सा कहाँ जाएगा, और फिर ये था कि वहां पर एक मक्खी ने मदाखलत की। इस स्टैंजा का कोई इतना बेसिक मीनिंग नहीं है। यहाँ पर अगर हम गए तो अब जब डेड बॉडी, मतलब उसको हम दफना देते हैं या उसको जला देते हैं, उसके बाद जो उसका फैसला हो रहा होता है बेसिकली ये उसकी बात है। लास्ट स्टैंजा में अगर हम देखें, विद ब्लू अनसर्टेन स्टम्बलिंग बज, नीले रंग के साथ गैर यकीनी ठोकर खाने वाली बज, यानी कि मक्खी, बिटवीन द लाइट, लाइट के दरमियान, यानी कि रोशनी के दरमियान, और मेरे, एंड मी और मेरे, एंड देन द विंडोज फेल्ड, और फिर विंडोज यानी कि खिड़कियां नाकाम हो गई, एंड देन आई कुड नॉट सी टू सी, और फिर मैंने देखने को नहीं, मैं देखना चाहता भी तो नहीं देख सकता, और यहाँ पर सब कुछ एंड हो गया, यानी कि वो इंसान मर गया, सब कुछ खत्म हो गया। इस ये वाली जो उनकी पॉइंट थी बहुत ही छोटी है, इसके अंदर बहुत डीप मीनिंग है, और वो मीनिंग ये है, आई हियर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड अटेम्प्ट्स टू इमेजिन द ट्रांजिशन बिटवीन लाइफ एंड डेथ। लाइफ में और डेथ में जब ट्रांजिशन हो रही होती है, एक जिंदगी जब मौत बन रही होती है, तब क्या सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को ये पोएम इमेजिन करती है। व्हाइल द पोएम डज हैव क्वेश्चंस अबाउट वेदर देयर इज एन आफ्टर लाइफ, क्या यहाँ पर कोई आफ्टर लाइफ है, हमारी जिंदगी के बाद, आफ्टर डेथ के बाद कोई आफ्टर लाइफ है,
It conveys its uncertainty by focusing on the actual moment of death itself. इसका main focus death है. इनका main focus और main theme सिर्फ death है. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस.